आपको याद कितना एरिया है, इतना डिस्ट्रिक्ट है सभी जगह में, इसलिए तो सीनियर आप ही आए हैं। अच्छा, तो आपका नाम? मेरा डॉक्टर अंकिता। तो बाकी ये सारे टेक्नीशियन है? नहीं नहीं, सारे इंटर्न डॉक्टर हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी चेक करेंगे और एडमिट हेल्प कर देंगे बच्चों। अच्छा, तो इनको भी स्टाफ को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ तो नए बच्चे हैं, कुछ हमारे तरह ही है ना, तीन तीन बार वो फिलिंग फिलिंग करा करके काम चला रहे हैं ना, आए हो तो फिलहाल। वैसे तो काफी सैलरी है इनकी, ये प्राइवेट भी चेक करा लेते हैं, लेकिन मौके पे आया तो 6 महीने बाद चेकअप करवा लेना चाहिए जो नहीं करवाते हैं। करता कोई नहीं, तो आप हमें यही पे चेकअप और तभी जब आए रात को जो तो होता जब रात को नींद पड़ती तभी अगर आपने ठीक है ना, तो भी थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चे भी इधर कर लो, थोड़ा कैमरा हो जाएगा। बच्चे आप इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ बेटा। बच्चे ये उठाओ, टेबल इधर कर ले, एक लाइन इधर बनाओ, टेंथ वाले इधर आते हैं, आप आगे हो जाओ बेटा। यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है आज का, ये जो हेल्थ की तरफ से जो डेंटल डिपार्टमेंट ने जो है यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, थोड़ी देर पहले मैंने, सिर्फ 4-5 दिन पहले मैंने जो है अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि हमारा स्कूल में जो है बच्चों का जो है ये इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए दांतों की। तो डॉक्टर इकबाल सिंह है, उनको मैंने अप्रोच की थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने ना ये सोचा था कि शायद 1 महीना या 1.5 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन सैटरडे को ही उन्होंने जो है ये कन्वे कर दिया कि हम मंडे को आपके पास जो है 11 बजे के करीब आपके पास, और राइट टाइम जो है ये इनका स्टाफ जिनके साथ डॉक्टर अंकिता गुप्ता जी हैं, और ये हमारी बेटी भी हैं, क्योंकि इनकी मम्मा भी जो हैं वो 51 में कॉर्पोरेटर हैं, वो लग जावे है, लेकिन फिर भी इनका स्टाफ जो आया हुआ है। मैं अपनी अपने वार्ड की तरफ से, स्कूल की तरफ से, ये हमारे जो हाफ शटिंग हेडमास्टर जी हैं इनका स्टाफ है, बच्चों की तरफ से और कुछ इनके पेरेंट्स भी कुछ आए हुए हैं जो बच्चे हैं, उनकी सब की तरफ से इस डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट जब भी कभी मौका मिलेगा इनको दोबारा यहाँ कॉल करने का, मुझे अब पूरी उम्मीद हो गई है कि ये उस कॉल पे आएंगे। और इन बच्चों को जो आपको पता ही है कि आजकल महंगाई इतनी है, बच्चे प्रोवाइड नहीं कर सकते बाहर जाना, तो ये एक गवर्नमेंट जो है फैसिलिटी दे रही है, और डिपार्टमेंट खास करके ये तवज्जो दे रहा है इन बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं। तो मैं फिर इन्हीं लफ्जों के साथ आई हुई टीम का, तो मैडम जो अंकिता गुप्ता जी हैं इनका स्टाफ का, तो
तो शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि ये अच्छे से इनकी ट्रीटमेंट भी करेंगे और जो इनको ज़रूरत होगी उनको जो है मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। अंकिता गुप्ता है, हम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से आए हैं, डॉक्टर्स की टीम है सारी। तो आज हम यहाँ पे हमारे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत प्रिविलेज के साथ सबका चेकअप करेंगे और इसके बाद जो जो पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके यहाँ पे वो नेक्स्ट कैंप में प्रोवाइड करते रहेंगे यहाँ पे। और सब जानते हैं रेगुलर 6 मंथ चेकअप तो होना ही चाहिए, तो आज हम वही करने आए हैं। नेक्स्ट कैंप में वील ट्राई टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट आल्सो। इस तरह के कैंप्स लगाने का क्या मकसद रहता है सर? ऐसे कैंप्स हम डेंटिस्ट्री की पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ब्रांच को बिलोंग करते हैं, तो वो जगह जगह कैंप लगाते रहते हैं। ऐसे ही कैंप्स हम लगाते ही रहते थे। कोविड से पहले बहुत कैंप्स लगते थे, कोविड के बाद ये कम हो गए हैं बिकॉज स्कूल्स नहीं खुल रहे, बट अभी जनरल कैंप्स लगते रहते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे लगते रहते हैं कैंप। कोई भी स्कूल अगर कोई रिक्वायर्ड है कहीं पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, हम हमेशा रेडी होते हैं कैंप्स लगाने के लिए। इस कैंप्स के दौरान जो पेशेंट्स हैं उनको क्या दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती हैं या सिर्फ चेकअप किया जाता है? सर जैसे कि यहाँ पे सारे बच्चे हैं तो जिनको जो जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है हम एक पहले पूरा चेकअप करके बनाते हैं किसको क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, फिर नेक्स्ट कैंप में आके वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं या अगर दवाइयाँ रिक्वायर्ड हो तो दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट बेसिकली ट्रीटमेंट से ही क्योर हो सकता है, दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसमें, तो हम वही अकॉर्डिंगली करते हैं इसके मतलब पूरा प्लान करके करते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि डेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत निगलेक्ट की जा रही है। इंडिया में बहुत डेंटिस्ट है लेकिन डेंटिस्ट के साथ साथ बहुत पॉपुलेशन है जिनको बहुत प्रॉब्लम्स है। एक बंदे के मुंह में मिनिमम 28 टीथ तो होते ही हैं, तो 28 के 28 दांत को उम्र भर के लिए सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए रेगुलर 6 मंथ्स चेकअप चाहिए, बच्चों को चेकअप चाहिए बिकॉज ये हमारी फाउंडेशन है। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, चेकअप करवाते रहिए। डेंटल प्रॉब्लम्स को निगलेक्ट मत कीजिए, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से और प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ वो होती हैं, तो इसको निगलेक्ट ना कीजिए और चेकअप करवाते रहिए। इंदिरा गांधी डेंटल गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड, फ्री मिनिमम कॉस्ट में और फ्री चेकअप प्रोवाइड होता है, वहाँ पर आके कभी भी करवा सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज चर्चा के हमारे माननीय कॉर्पोरेटर साहब श्री कमल सिंह जी ने जहाँ पे एक डेंटल हाइजीनिक का कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो सोशल वर्क में बहुत आगे रहते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, स्टूडेंट्स हेल्थ के लिए जो बहुत संजीदा कदम उठाते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अंकिता जी और उनकी टीम और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अथॉरिटीज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो इस कोविड काल में भी जो कदम उठाया और बच्चों के डेंटल हाइजीन के लिए जहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया। जैसे डॉक्टर अंकिता जी बता रहे थे कि डेंटल हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योर से या उसकी मेडिसिन लेने से या ट्रीटमेंट से पहले अगर इसकी अवेयरनेस हो तो पहले से ही, और ख़ासकर बच्चों में जब ये चीज़ आए तो बच्चे अपने पेरेंट्स को जो है वो बता सकते हैं कि हमें डेंटल हाइजीन के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। तो उस पूरी टीम का, कारपेंटर साहब का और बाकी पूरे स्टाफ का मैं जहाँ पर बहुत शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस भेजे कैंप ऑर्गेनाइज किया और मेरे स्कूल के बच्चे जो हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जे ओकेजनली टाइम टू टाइम जहां पे ऐसे मेडिकल कैंप और जे हाइजीनिक डेंटल हाइजीनिक कैंप जो है ऑर्गेनाइज करते रहे, ताकि बच्चों को, जे सभी बच्चे जो है जो लेबर क्लास के हैं, इन बच्चों के लिए ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका बेचारे का पहले से ही इनको अवेयरनेस भी नहीं है और इनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि जे इतनी महंगी ट्रीटमेंट ले सके। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से जो फ्री ट्रीटमेंट दी जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं आशा करता हूँ कि पूरा समाज और ख़ासकर मेरे स्कूल के बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। गुल रामन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तियाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गुल रामबन, फोन 9419955001।